वहीं वाराणसी के जिला न्यायालय में ज्ञानवापी से जुड़े 7 मामलों की सुनवाई एक साथ होगी, जहां इस बारे में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने आदेश दिया है। जहां ज्ञानवापी से जुड़े 7 मामलों की एक साथ सुनवाई किए जाने को लेकर सोमवार को हुई सुनवाई के बाद जिला अदालत ने स्थानांतरण आदेश को स्वीकार कर लिया है। ऐसे में विभिन्न अदालतों में चल रहे ज्ञानवापी से जुड़े सभी मामले अब वाराणसी के जिला न्यायालय में आ जाएंगे। हिंदू पक्ष की वादी महिलाओं ने सभी मामलों को एक साथ सुनने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इससे पहले हिंदू पक्ष की वादी महिलाओं के द्वारा ज्ञानवापी से जुड़े सभी मामलों को एक साथ सुनने के लिए जिला न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र पर अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने आपत्ति दर्ज करवाई थी। अंजुमन इंतजामिया ने स्थानांतरण के मांग के आवेदन को गलत तथ्य पर आधारित होने की बात कही थी। देखिए, ये फैसला हमारे पक्ष में आया है, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। हमारी लंबी मांग थी, लंबी सुनवाई हुई न्यायालय में और न्यायालय ने इस चीज़ को महसूस किया कि ये मुकदमे सारे एक कर देने चाहिए, क्योंकि मांग सबकी एक ही है, सारे मुकदमों का नेचर एक है। उसी ज्ञानवापी परिसर की बात हो रही है जिस ज्ञानवापी परिसर में सर्वे हुआ था, जिस सर्वे में शिवलिंग मिला था। इसलिए न्यायालय को भी लगा है कि नहीं, सारे मुकदमे एक नेचर को होकर अलग अलग चल रहे हैं, ये ठीक नहीं। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया है कि सारे मुकदमे एक जगह सुनवाई होगी। इसलिए इस फैसले का हम जोरदार तरीके से स्वागत करते हैं। रहेगी बात राखी सिंह वगैरह का, जो मामला है 693/21, वो मामला लीडिंग केस के रूप में चलेगा। यानी कि न्यायालय ने भी माना है कि ये मुकदमा जो है, इसी मुकदमा सब सारे मुकदमों का आधार यही है, यही शिवलिंग जो साक्ष्य में मिला है सारे मुकदमों का आधार है, इसलिए इसको लीडिंग केस बनाया गया है। हम लोग इस फैसले का स्वागत करते हैं।